आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोविड के बढ़ते केस से महाराष्ट्र में लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन आम लोगों की बात तो छोड़िए, बड़े बड़े नेताओं की लापरवाही लगातार जारी है। कल हमने बीजेपी नेता धनंजय मरे के बेटे की शादी में लापरवाही का मामला आपको दिखाया। आज हम आपको महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर का वीडियो दिखाते हैं। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान संदिग्ध खुदकुशी केस में नाम आने के बाद राठौर मीडिया की पहुंच से दूर थे। दो हफ्ते बाद कल अचानक वो यवतमाल में नजर आए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यवतमाल महाराष्ट्र के उन इलाकों में है जहां पर कोरोना केस बढ़ने की वजह से आंशिक लॉकडाउन है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राठौर के स्वागत में कितनी भीड़ उमड़ी, उनका गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। यवतमाल से राठौर अपने परिवार के साथ वाशिम के कोरा देवी मंदिर पहुंचे, वहां भी कोविड नियमों का उल्लंघन कर भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार मामले महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कई जगह पर तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से लॉकडाउन का खतरा एक तरफ मंडरा रहा है। आम लोगों की बात छोड़िए, अब ये नेताओं की बात करते हैं। लापरवाही के कई मामले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब बीजेपी नेता धनंजय मांडे के बेटे की शादी हुई थी, जिसमें लापरवाही का मामला, सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं, मास्क नहीं, लोग पहुँचे थे। साहिल इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। साहिल, लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, लेकिन लग नहीं रहा कि कोई भी इसको लेकर अलर्ट है, कम से कम महाराष्ट्र में। नवजोत, आश्चर्य की बात है कि दो दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो राज्य को संबोधित किया, उसमें उन्होंने चुटकी ली विरोधकों पर। विरोधकों को उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से आंदोलन ना करें, क्योंकि आंदोलन करोगे वहां पर भीड़ इकट्ठा होगी और उसके वजह से कोरोना फैल सकता है। और यहाँ पर उनके ही मंत्रिमंडल के मंत्री संजय राठौर, जो पिछले 15 दिन से इनकम्युनिकेटेड थे, नॉट रीचेबल थे, क्योंकि उनका नाम एक सुसाइड केस में उभर कर सामने आ रहा था, वो किसी से संपर्क में नहीं थे। और अचानक आज जब वो अपने समर्थकों के सामने मंदिर पहुंचे वहां पर, तो वहां पर लंबी भीड़ वहां पर लगा दी गई। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन वहां पर था। वहां पर उन्होंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन जिस इलाके में वो ये भीड़ लगाए हुए थे, जिस इलाके में वो इस मंदिर में गए थे, यही वो इलाका है जिन 6 जिलों में महाराष्ट्र के कोविड का सबसे ज्यादा प्रादुर्भाव हुआ है। और सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई भी कानून का पालन करने से ना बचे, कानून का पूरी तरीके से पालन करें, नियमों का पालन करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। कल धनंजय महाड़िक, जो बीजेपी के नेता है, उनके बेटे की शादी में जो भीड़ लगाई हुई थी, उसके चलते उन पर मामला दर्ज हुआ है। अब देखना है कि क्या संजय राठौर के खिलाफ भी इस तरीके से मामला दर्ज होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वहां पर स्थानीय प्रशासन ने साफ तौर पर पोहरा देवी मंदिर के लोगों को कहा था कि यहां पर किसी भी तरीके से भीड़ नहीं लगनी चाहिए। उसके बावजूद आप यह तस्वीरें देख सकती है कि किस तरीके से वहां पर भीड़ लगी हुई थी। और मंत्री दरअसल अपनी सफाई देने के लिए वहां पर पहुंचे थे, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री ने दो दिन पहले जो विरोधकों को कहा था, जो राज्य को कहा था, जो अपने मंत्रियों को कहा था, एक मंत्री की उन्होंने तारीफ भी की थी कि उन्होंने अपने बेटे की शादी का जो रिसेप्शन था उसको रद्द कर दिया। दूसरी तरफ उनके ही एक मंत्री इस तरीके से खुलेआम जो नियम है कोविड के समय लगाए गए, उन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उस पर अब सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। खुद संजय राठौड़ को हमने यह सवाल पूछने की कोशिश की वहां पर, उन्होंने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन सीधे सीधे ये भी मामला बनता है कि कोविड के नियमों की को ताक पर रख दिया गया, जिसको लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है क्या, ये अब देखना होगा नवजोत। साहिल, देखिए दूसरी बात ये भी है, क्योंकि जिस तरीके के हालात कोरोना के, खासतौर पर महाराष्ट्र में, मुख्यमंत्री बाहर आकर आगे आकर स्पेशली ये बात कहते हैं, इस बात को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि गाइडलाइंस का पालन किया जाए, ख्याल रखा जाए। अगर मंत्री जी वहाँ पर पहुँच रहे थे, क्या प्रशासन को इस बात का इल्म नहीं था? अगर था तो कैसे भीड़ इतनी इकट्ठा करने की इजाज़त दी गई? दूसरी बड़ी बात साहिल ये भी उठती है कि लॉकडाउन लगाना, ज़्यादा लोगों का इकट्ठा ना होना, इस बात को तो स्थानीय पुलिस ही सुनिश्चित करेगी ना।
नहीं बिल्कुल आप सही बात कह रही है, और मैंने जैसे कहा कि वहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने जो रिलीजियस ट्रस्ट है वहाँ पर पोहरा देवी मंदिर का, उनको ये साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर भीड़ नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जिनको कानून की रक्षा करनी चाहिए, जिनको वहाँ पर ये नियमों का पालन करने के लिए लोगों को कहना चाहिए, वही अगर नियमों को ताक पर रख दे और वहाँ पर भीड़ लगा दे तो किस उसकी सुनवाई कौन करेगा, ये यहाँ पर सवाल उठता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि धनंजय महाडिक जो बीजेपी के नेता है, उनके शादी में वहाँ पर, उनके बेटे की शादी में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, उन पर कार्रवाई हुई, उन पर मामला दर्ज हुआ है, उसी के चलते वहाँ पर अमरावती की जो सांसद है वो बिना मास्क के मोटर बाइक पर घूम रही थी, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, कई सारे छोटे छोटे इस तरीके के जो आयोजन हुए हैं उनके आयोजकों के खिलाफ महाराष्ट्र में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उसी वक्त संजय राठौड़ जो पिछले 15 दिनों से उन पर जो आरोप लगे हैं उसके चलते छुप रहे थे, अब वही लोगों के सामने अपनी सफाई देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, अब उन पर भी तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, सरकार को इसी बात का तो जवाब देना है कि उन पर कार्रवाई कब होगी। शुक्रिया साहिल, नजर आप बनाए रखिए। साहिल मेरे सहयोगी की जानकारी दे रहे थे। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। शादी में दिग्गज नेताओं समेत करीब 700 मेहमान जुटे। कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, ना तो मास्क नजर आया और ना ही कहीं 2 गज की दूरी। आज तक की खबर के बाद अब इस शादी को लेकर केस दर्ज। विवाह समारोह का है लेकिन ये सबसे बड़ी वानगी है उच्च स्तर की संगीन लापरवाही की, ऐसी लापरवाही जिससे कई लोगों की सेहत यहाँ तक की जान खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, ये वीडियो बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी का है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मेहमानों की तय तादाद 200 तय की गई थी, लेकिन शादी में जुटे करीब 700 मेहमान। मेहमानों में भी कौन कौन, जरा वीडियो को गौर से देखिए। आप देख सकते हैं गुलदस्ता देते देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है। फडणवीस छोड़िए, मंच पर मौजूद किसी ने भी मास्क, अब इन्हें देखिए। ये शिवसेना सांसद अरविंद सावंत है जिस शादी में दल बल के साथ पहुँचे। समारोह में शामिल होने वालों में रामदास अठावले, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना सांसद संजय राउत के नाम भी शामिल है। इस वीवीआई पार्टी में कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी चकनाचूर होते दिखाई दिया। लोग बिना मास्क लगाए पास पास खड़े नजर आए। विडंबना देखिए, जिस दिन ये पार्टी हुई ठीक उसी दिन सीएम उद्धव ठाकरे दोबारा लॉकडाउन की चेतावनी दे रहे थे। जरा उनकी बात सुनिए। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे, सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। आज तक ने बड़े लोगों की इस पार्टी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने की खबर दिखाई तो पुणे प्रशासन ने पूर्व सांसद धनंजय महाडिक पर केस दर्ज कर लिया। बैंकेट हॉल के मालिक और मैनेजर पर भी केस दर्ज किया गया है। इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 271 के तहत केस दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय आपदा स्थिति कानून 2005 भी लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र कोविड नीति योजना 2020 के नियम तोड़ने का आरोप भी लगा है। एक और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जिस दिन कोरोना के गाइडलाइंस जारी कर रहे थे, लोगों को मास्क पहनने की चेतावनी दे रहे थे, ठीक उसी ही दिन वीवीआईपी लोग, कुछ मंत्री, सत्ता में दखल रखने वाले बड़े लोग, पूर्व मुख्यमंत्री बिना मास्क शादी समारोह में दिखाई दिए। नेताओं पर जनता के सामने मिसाल पेश करने की जिम्मेदारी होती है। महामारी की आपदा जैसी स्थिति में अगर नेता ही इस तरह नियम तोड़ेंगे तो फिर आम आदमी को वो नियम पालन करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। मुंबई से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और आज तक से बातचीत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का कहना है कि कोरोना केस घटने के बाद लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं और प्रोटोकॉल भूलने लगे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस खुद रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आया। जब वो प्रेस से मुखातिब हो रहे थे तो उनके आसपास लोग बगैर मास्क के ही नजर आए। जनता थोड़ा ये कोरोना कम होने के कारण ओवर कॉन्फिडेंस थे, लोग नेग्लेक्ट भी थे। अभी ठीक तरीके से मास्क पहनना, ठीक तरीके से जो सावधान रहना चाहिए,
जब तक पूरे लोगों को ये वैक्सीन नहीं मिलता है जब तक सावधान रहना चाहिए, यही सरकार की तरफ से देश के जनता को अपील करना चाहते हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।